कोई भी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस बिजनेस को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उसको अलग अलग पार्ट में आपको डेवलप करना रहेगा। उसमें सबसे पहला प्लानिंग के अंदर आता है लीगली प्लान। आज अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर डेवलप करना चाहते हो और सालों साल अगर उसको चलाना चाहते हो, आप अपनी सेकंड थर्ड जनरेशन को भी ये बिजनेस देना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करना और लीगली प्रोसेस को फॉलो करना। बहुत सारे बिजनेस को हम देखते हैं कि जो ये लीगली प्रोसेस की प्रैक्टिस न करके जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक लेवल पर जब वो अपने बिजनेस को पहुंचा देते हैं, फिर चैलेंजेस उनको ये आती है, उनका सेम नाम जो है कोई और बंदा यूटिलाइज कर लेता है और वहाँ पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, और उसके बाद उनको अपनी बनाई हुई रेपुटेशन जो होती है वो फिर से 0-0 पर लेकर आनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस का प्लानिंग, जिसमें ज़रूरी है लीगल प्लानिंग। तो लीगली प्लानिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब सेकंड चीज़ के ऊपर हम जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान। आज अगर आप एक रिटेल आउटलेट चला रहे हो, आज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान कर रहे हो, आज अगर आप किसी होलसेल के बिजनेस के अंदर हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि आप जहाँ काम करने वाले हो वहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं, कस्टमर्स भी आने वाले हैं, टीम मेंबर भी आने वाले हैं, और आपको अपनी प्रोडक्ट की और अपनी चीज़ों का प्रेजेंटेशन भी करना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट को साथ में लेकर एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड करके वो अपने काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा बचाना चाहते हैं और पैसे बचाने के चक्कर के अंदर उनका स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं कस्टमाइज करके वो बिल्ड कर लेते हैं, और जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है बाद में होता है पछतावा। क्योंकि एक रिटेल आउटलेट की जब हम कंसल्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 15 लाख का इन्वेस्टमेंट उनको करना रहा, दूसरे पर्सन ने वही सेम स्ट्रक्चर अलग तरीके से पैसे बचा के 10 लाख के अंदर का स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन आज चैलेंजेस उनको ये आ रही है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए थी जो अभी है नहीं, और उसका अगर उनको प्लान करना है तो पूरे स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और वो रिस्ट्रक्चर करने के चक्कर में उनका खर्चा जो है वो अब डबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान करना। थर्ड लेवल पर आता है किसी भी बिजनेस के अंदर प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीम। एक बिजनेसमैन चाहकर भी सब कुछ नहीं कर सकता है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको चाहिए लोग। और अगर लोगों की बात आती है तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक नॉर्मल कैटेगरीज के लोग कि जो आपकी जान पहचान वाले होते हैं, आपके नज़दीक के होते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन बढ़िया होता है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती है, उनके पास डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं होती है। और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल लोग। ये प्रोफेशनल लोगों को लाना सबसे बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि ये फ्री में नहीं आते हैं, ये एक बजट प्लान करके इनको लाना होता है, इनको अच्छी तरीके से काम करने के लिए आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर देना होता है, उनको उनका ग्रोथ प्लान देना होता है, उनको कंपनी का विज़न बताना होता है और उनके विज़न के साथ कंपनी के विज़न को अलाइन करना होता है। और ये जब अलाइनमेंट उनके साथ होता है तो आपकी टीम में काम करने वाला बंदा 5 साल 10 साल आपके साथ रुकेगा और एक बड़ी गेम आप उनके साथ खेल पाएगा। और इन लोगों को लाने के बाद उनको एक अच्छा माहौल देना ज़रूरी है, एक अच्छी तरीके से चीज़ों की ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है, और उनको अपना फ्यूचर सिक्योर है ऐसा महसूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो होता ये है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमने देखा है, आप ही की कंपनी में काम करने वाला बंदा आप ही के बिजनेस के आवर्स के अंदर कहीं और जगह जाकर इंटरव्यू देकर आएगा और ऐसा बोलेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था, मैं अभी यहाँ पर से थोड़ा ब्रेक चाहता हूँ, या एक दो दिन की छुट्टी ले लेगा और कहीं पर जाकर वो अपना जॉब अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपना फ्यूचर यहाँ पर दिख नहीं रहा है।
तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लोग जैसे होंगे वैसे ही आपका बिजनेस होगा, क्योंकि आप चाहकर सब कुछ नहीं कर सकते। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंस का प्लान, क्योंकि आज जो बिजनेस आप ग्रो करना चाहते हो, आज जिस बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंस। आज अगर हमारी बॉडी है तो बॉडी को अगर अच्छी तरीके से रन करना है तो जैसे हमें खाना है, पीना है या श्वास लेना है, जो ज़रूरी होता है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका लिक्विड। और लिक्विड का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस। और उस फाइनेंस को बेहतर ढंग से अगर आपको मैनेज करना है तो एटलीस्ट 6 महीने का या साल भर का एडवांस बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं कि जो ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होना भी चाहते हैं, लेकिन जब उस बिजनेस को ग्रो होने की बारी आई है, एक बिजनेसमैन ने वहाँ से जितना पैसा डालना था वो सारा निकाल लिया, और जब बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आई, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, और आज वो सिचुएशन के अंदर आ गए हैं कि चाहकर भी वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो फाइनेंस का प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे ही आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं प्लानिंग के अंदर। अब हम आगे बात करेंगे कि जिस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके के आपके वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं और जिस तरीके का आपका फाइनेंस होता है, उसी तरीके से इम्पोर्टेंट होता है आपका सेल्स और मार्केटिंग का प्लान। बहुत सारी कंपनियां हमने देखी है जिसके अंदर जब हम काम करने के लिए जाते हैं सब कुछ रेडी होता है, सब कुछ तैयार होता है, लेकिन जब हम उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस साल का आपका मार्केटिंग और प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग का क्या बजट आपने प्लान किया है, उनके पास आंसर ही नहीं होता है। और ये ऐसी वैसी कंपनियां नहीं होती है जो अच्छे लेवल पर काम कर रही है, 50-100 करोड़ का टर्नओवर उनका ऑलरेडी हो रहा है, फिर भी उनके पास बजटिंग प्लानिंग ही नहीं है और बजट का वो प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, खास करके मार्केटिंग। और किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट होता है मार्केटिंग, क्योंकि जब तक आप लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं, जब तक आपको लोगों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे। और मार्केटिंग का प्लानिंग अगर करना है तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, फिजिकल मार्केटिंग का भी तरीका होता है और डिजिटल मार्केटिंग का भी तरीका होता है। आज का मार्केट डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। आज मैं अगर आपसे कनेक्ट हो रहा हो तो वो भी हम डिजिटल के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को डिजिटल लेवल पर ग्रो करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न आपको वहाँ पर मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका पैसा लग का रहा है और उसका रिटर्न आपको किस तरीके से मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी प्लान, कि आज अगर आपका बिजनेस 10 करोड़ के ऊपर है, 20 करोड़ के ऊपर है, 50 करोड़ के ऊपर है, तो अब आपको प्लान करने की आवश्यकता होगी, क्या वो स्ट्रेटजी मैं अपनाऊँ जिस स्ट्रेटजी से मेरे बिजनेस के अंदर मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुँचूँ। अगर आप रिटेल में हो तो आपका ऑलवेज ये प्लानिंग होगा, एक आउटलेट की जगह मैं 10 आउटलेट कंप्लीट करूं। अगर आज आप होलसेल के अंदर हो तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये 4-5 स्टेट के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया मेरा काम हो। अगर आज आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका ये प्लानिंग होगा ही कि एक यूनिट अगर आज मैं चला रहा हो तो मेरा फ्यूचर में प्लानिंग हो कि 5 बड़े यूनिट मेरे। और ये सारे प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए अगर आप अपना माइंड नहीं अगर यूज़ कर पा रहे हो, तो आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत रहती है अलग अलग एक्सपर्ट लोगों की। यहाँ पर आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट का सपोर्ट लेना ज़रूरी है, जो आप ही के बिजनेस को बेहतर ढंग से डेवलप करने के लिए आपके साथ रहकर वो स्ट्रेटजी प्लान करे, जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सको। तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि सर आपने तो ये बिजनेस किया ही नहीं है, आपको तो इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप हमारे धंधे को कैसे बढ़ाओगे।
तो उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी ये नहीं होता है कि जो बंदा ऑपरेशन कर रहा है वो खुद उस बीमारी से जुड़ा हो, क्योंकि डॉक्टर का काम है इलाज करना, डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो खुद उस बीमारी से गुजरे। उसी तरीके से कंसल्टेंट का काम होता है अलग अलग तरीके का नॉलेज इकट्ठा करके अलग अलग बिजनेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी प्लान करना, और ये स्ट्रेटजी का प्लान अगर आपने किया है तो आपके पास पूरे साल में क्या करना है उसका एक माइक्रो प्लान होगा, 6 महीने में आपको क्या करना है उसका एक प्लानिंग होगा, 3 महीने क्वार्टर में आप क्या करने वाले हो उसका प्लानिंग आपके पास होगा, वीकली मंथली डेली आप क्या करने वाले हो उसका भी प्लानिंग आपके पास होगा, और ये प्लानिंग के ऊपर जब आप लगातार एक्शन लेते जाएंगे, काम करते जाएंगे, एफर्ट लगाते जाएंगे, तो एंड ऑफ द ईयर जब आपने सोचा होगा कि इस साल का मेरा ये टारगेट था तो वो टारगेट आपका अचीव हो गया हो। तो आज हमने यहाँ पर बात की है कि अलग अलग तरीके से, कितने तरीके से हम अपने बिजनेस के प्लानिंग कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस का प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों को हम ये सवाल पूछते हैं, जो मैं आज आपको भी पूछना चाहूँगा, जब भी आप घूमने जाते हो तो क्या आप एडवांस प्लान करके चलते हो। तो हर एक बिजनेसमैन का आंसर होता है यस, लेकिन जब वो धंधे के लिए जाते हैं और धंधे के प्लानिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि धंधे का भी प्लानिंग किया जाए। लेकिन आज ये कड़वा सत्य है कि हमें अगर अपने धंधे को नेक्स्ट लेवल पर अगर ग्रो करना है तो हमें उसका प्लान करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो प्लान करने में आप कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी को, जहां पर हम आपके साथ जुड़कर आपके बिजनेस का बेहतर प्लानिंग करके उसका एग्जीक्यूट करने में हम आपको हेल्प कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम ऑलवेज आपके साथ होंगे। तो इसी तरीके के वीडियो और भी अगर अलग अलग टॉपिक पर अगर आप सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स हमें बताने हैं कि सर नेक्स्ट वाला वीडियो आप ये वाले टॉपिक के ऊपर बनाइए, तो डेफिनेटली हमारी टीम मिलकर एक नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ इसी तरीके की डिस्कशन करेगी और आपके विचारों को ओपन करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं।